दुर्घटनारु बंचाइब कवच, विपद समय रे ट्रेन रे आपे आपे ब्रेक लगाइब कवच टेक्नोलॉजी। राजस्थान रो माधवपुर रु कोटा मथरे चालुथुपा ट्रेन रे कवच 4.0 रो सफल इंस्टॉलेशन परे एही सूचना देछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कवच टेक्नोलॉजी रो विकास कार्य 2016 रु 2019 मथे रहितला। कवचर नुआ संस्करण 4.0 को 16 अगस्त 2024 रे मंजूरी मिलितला। परीक्षण परे कवच टेक्नोलॉजी रेल यात्री को सुरक्षा रे सुधार आनिबारे समर्थ हेबो बोली कहिसेंती रेल मंत्री। ट्रेन रेड सिग्नल रो निकटतर हेबा पूर्वरु लोको पायलट ध्यान देइ नथिले मध्य ट्रेन रे आपे आपे ब्रेक लागिबो। कवच का डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ और 2019 तक काफी डेवलपमेंट हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ, उसके बाद में भी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, नए नए वर्जन लाए गए और वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ, आरडीएसओ ने अप्रूव किया। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है, तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। आप देखोगे इसमें कवच में, अगर आप कवच की स्क्रीन देखो तो इसमें इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाई चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।